नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। देश में नए साल की धूम, पीएम मोदी ने देशवासियों को अच्छी सेहत की कामना की। सिद्धिविनायक में इस साल की पहली आरती की। हरियाणा के खेल मंत्री के खिलाफ एफआईआर, चंडीगढ़ पुलिस ने महिला कोच की शिकायत पर की कार्रवाई, जांच जारी। नए साल का पहला गिफ्ट एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस ने ली चुटकी, कहा अभी तो ये शुरुआत है। बेंगलुरु में नए साल का जश्न पड़ा भारी, पुलिस ने लोगों पर जमकर किया लाठीचार्ज, सामने आया वीडियो। आरिफ मोहम्मद खान का बयान, बोले कश्मीर को कानून का स्पेशल दर्जा नहीं चाहिए, ताकतवर हिंदुस्तान अमन की गारंटी। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने कड़ाके की ठंड में भी सड़क पर मुस्तैद, खुद कानपुर कमिश्नर बीपी जोगदान देखने को निकले, सुरक्षा व्यवस्था। लखनऊ में अधिवक्ताओं से मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों का हुआ स्थानांतरण। उन्नाव में अज्ञात हमलावर ने किशोरी को मारी गोली, परिजनों द्वारा किशोरी को एससीएस में कराया गया भर्ती। आगरा के रकाबगंज पुलिस को स्वात टीम सर्विसलान टीम की मदद से मिली सफलता, संयुक्त टीम के हत्थे चढ़ा आरोपी। देवरिया में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने व्यक्ति को जमकर पीटा, जिसका वीडियो घर में लगे सीसीटीवी में कैद। दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन में 13 जनवरी को आएगा पीक। जिनपिंग ने इस साल पर बोले, हमारे सामने चुनौतियां लेकिन उम्मीदें भी हैं। जंग के साए में नए साल में दाखिल 6 देश, यूक्रेन में और पीस पर लिखा, बच्चे जंग न झेले, रूसी सैनिक परिवार से दूर रहे। सबसे बड़े कैथोलिक धर्मगुरु रहे निधन, 600 साल में इस्तीफा देने वाले पहले पोप प्रिस्ट की नियुक्ति को लेकर विवादों में घिरे थे। ২০২২ के आखिरी दिन भी रूस ने किया मिसाइल अटैक, यूक्रेन ने कहा आम लोगों को निशाना बना रहा है, क्यूब में एक की मौत, 8 घायल। ২৩ जनवरी को चीन में कोरोना से 25,000 मौतें होंगी, अगले महीने आएगा पीक। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर में भारतीय दावेदार नहीं, कोहली ने 2018 में जीता था अवार्ड। अमेरिका में गिर रही बेसबॉल की लोकप्रियता, बढ़ रहा क्रिकेट का आकर्षण, भारतीय मूल के कारोबारी कर रहे हैं 1,000 करोड़ का निवेश। वेस्टर्न वनडे टीम ऑफ द ईयर में रोहित कोहली, धवन नहीं, भारत में श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज शामिल। पंद्रह पर सिमटने वाली सिडनी ने बनाए 228 रन, बिग बैच का चौथा हाईएस्ट स्कोर रहा। इंडिया वेमेंस अंडर 19 टीम का तीसरा टी20 में भी रद्द, ग्राउंड गीला होने के कारण नहीं हुआ मैच, 2 सप्ताह बाद है वर्ल्ड कप। डीजे ब्रावो बोले, मेरी बायोपिक के लिए शाहरुख खान परफेक्ट है, बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण और सलमान खान को फॉलो करता हूं। ब्लैक बॉडीकॉन रेस में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई उर्वशी रौतेला, गर्लफ्रेंड सबा आजाद और बेटी के साथ वेकेशन से वापस लौटे ऋतिक रोशन। आफ्ताब को बना दिया हिंदू, श्रद्धा को एक ईसाई के एपिसोड की वजह से चैनल को बायकॉट करने लगे लोग, बोले हिंदू विरोधी मानसिकता बाहर आ गई। गुरु रंधावा ने शहनाज गिल के साथ कराया रोमांटिक फोटोशूट, फैंस को पसंद आई दोनों की केमिस्ट्री, बोले शादी कर लो।
सारा ने अलग अंदाज में 2022 को कहा बाय बाय। न्यू ईयर से पहले शेयर किए इस साल के अन देखे वीडियोज। आज के लिए 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।